नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त मौजूद हैं लोजपा कार्यालय के पास। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से लोजपा में टूट भी और दोनों चाचा भतीजे लोजपा जो है दो गुट में बढ़ चुकी है, अब इसको लेकर सियासी घमासान बिहार में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार दोनों चाचा भतीजा के समर्थकों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार पोस्टर बैनर के जरिए या फिर यूं कहे तो नारेबाजी के जरिए दोनों समर्थकों में जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोजपा कार्यालय में जहाँ बैनर पोस्टर लेकर के भी लड़ाई छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले आप तस्वीरों को माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह से पहले चिराग पासवान के समर्थकों ने बैनर पोस्टर लगाए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर के, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि हम लोग लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाच करने के लिए। तो कुछ इस तरह से करके चिराग पासवान के समर्थकों ने पहले बैनर पोस्टर लगाए, फिर उसके बाद जो पशुपति पारस के जो समर्थक हैं वो पोस्टरों को उन्होंने हटा दिया और फिर पुनः जो है पशुपति पारस के जो समर्थक हैं वो अपने नेता का जो है वो बैनर पोस्टर लगाए हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से अभी पोस्टर लगाई जा रही है। इससे पहले यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा पोस्टर लगाया गया था जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ था और कि जिस तरह से लोग हम पर लड़ रहे हैं राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाच करने के लिए। आपको बता दें कि आए दिन चिराग पासवान ने स्लोगन के साथ में जिस तरह से बिहार में बहुत कम ही दिनों के लिए उन्होंने जिस तरह से दौरा किए थे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर के, अब जो है उनके कुनबे को धीरे धीरे जो है वो साफ होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपस में चाचा भतीजे की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है इसका असर बिहार की राजनीति पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से सूरजभान सिंह के घर पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है, क्योंकि लोजपा जो है किसके लोजपा की गद्दी किसको मिलती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे पहले लोजपा कार्यालय के बाहर की यह तस्वीर है जहां आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है यहाँ सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। तो क्योंकि आए दिन जिस तरह से समर्थकों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो हिंसा का जो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हिंसा न हो इसके लिए यहाँ पे है सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। सुबह से ही कहा जाए तो जो है यहाँ पे सियासी हलचल जो है वो तेज देखने को मिले, क्योंकि बिहार में आए दिन जिस तरह से लोजपा में टूट हुई है और जिस तरह से राम के हनुमान मानने वाले चिराग पासवान अब खुद अलग थलग पड़ चुके हैं, अब खुद अपने जो है चाचा से खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से चिराग पासवान जो दावे कर रहे हैं, एक तरफ पशुपति पारस जो है दावे कर रहे हैं कि लोजपा की गद्दी किसको मिलेगी, वो तो देखने वाली बात रहेगी। आज जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सूरजभान सिंह के घर पर ये बैठक वोटिंग चल रही है और वोटिंग के जरिए ही ये पता चलेगा कि लोजपा की गद्दी किसको मिलती है। लेकिन उसके पहले जो ये पोस्टर बैनर जो की लड़ाई जो छिड़ी हुई है उससे भी बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुका है। एक तरफ पशुपति पारस के समर्थक के द्वारा पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस के पोस्टर को हटा करके चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि चाचा भतीजे की लड़ाई कब थमती है, क्या चिराग पासवान अलग थलग ही रहेंगे या फिर लोजपा की गद्दी जो है चिराग पासवान जो है वो उनको मिलेगा, या फिर पशुपति पारस जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं क्या उनके साथ उनका, क्योंकि वो उनके साथ 5 सांसद भी हैं उनकी, ऐसे भी जो है वो पार्टी मजबूत है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ जो है बदलती तस्वीर सामने आती है। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।